हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परवेज मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं PJR मिर्ज़ा ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं नेपाल का बोले जाने वाला समुंदर। अब ये देखिए, ये कोसी ब्रिज है इसे बोलने से, लेकिन यहां के कुछ लोग तो इसको नेपाल का समुंदर भी बोलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, और ये ऑलमोस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में ही पड़ती है, बिल्कुल बॉर्डर पर ही, यहाँ से पास में बॉर्डर है उसका। और मैं सिर्फ ये अभी इधर से जा रहा था तो सोचा थोड़ा रुक के क्यों ना एक वीडियो बना लूं और आप लोगों को शेयर करूं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का, और जैसे आप बादलों को देखोगे, देखो बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा से व्यू आ रहा है बादलों का। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बैठने के लिए बनाया हुआ है, जैसे अभी बकरी बैठी है, ये बेंच बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे आप बैठ के इसका व्यू का मज़ा ले सकते हो। इधर भी बेंच हैं, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप इसका मज़ा ले सकते हो यहाँ बैठ के। और ये जो डैम है, अभी मैं डैम का भी बनाऊंगा, अभी डैम की साइड जाऊंगा क्योंकि डैम पे देखता हूँ जाने भी देते हैं वो करके या नहीं। ऐसे लोग जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जाने देंगे, और अभी मैं उधर जा रहा हूँ उसका बनाऊँगा। लेकिन ये जो है बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ का है, क्योंकि दूर दूर तक बस पानी ही पानी है, जैसे आप देख रहे होंगे बस पानी पानी और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, अभी मैं उधर जाके उधर का भी देख रहा हूँ, उधर का बनाता हूँ। तो गाइस, ब्रिज पे आने दिया है, कोई रोक टोक नहीं है ब्रिज पे आने के लिए, क्योंकि लोग जा रहे हैं, ऐसे पुलिस वाले लोग खड़े हुए हैं। और जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो पानी है, ये अभी गेट बंद है इधर के डैम के, ये वाला जो गेट है, क्योंकि इस तरह के यहाँ पर बहुत सारे गेट हैं, अभी तो मैंने गिनती भी नहीं किया है, बहुत ही सारे डैम के गेट हैं। तो ये वाले गेट अभी बंद हैं, 4-5 गेट। तो यहाँ पे भी पानी इतना घूम रहा है कि ये आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पानी, जैसे मैं बोल रहा था आपको, सही बोलते हैं नेपाल का समंदर इसको। देख सकते हैं आप कितना चौड़ा ये नहर है, और इसमें सिर्फ पानी पानी है। अभी इस साइड से डैम के उस साइड से तो उतना नहीं था जितना आपको इसे दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पानी का है। अभी मैं देखता हूँ डैम तक पहुँचने अगर दिया ना रोका गया तो मैं इसका डैम के पास जो गेट है उसके पास से इसका वीडियो शूट करूँगा, तो इसमें डालूंगा जहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कोशिश करता हूँ वहाँ का। और आप जैसे देखेंगे ये गेट बहुत मज़बूत गेट बना रखे हैं, ये सब ये वेट है, जो गेट है वो नीचे, ये वाला गेट बंद हो गया है, जब गेट खोलना होता है तो वो वेट नीचे आता है तब गेट खुलता है। तो इसका सिस्टम ये कांटे की तरह बनाया हुआ है, जैसे कांटा होता है जिस साइड में ज़्यादा वेट हो गया उस साइड से वो झुक जाता है। और ऊपर बहुत बड़ी बड़ी इसमें शाफ्ट लगा रखी हैं, मोटर लगी हुई है गेट खोलने बंद करने के लिए। ओके, मैं दिखाता हूँ आगे से भी आपको। मैं खाली स्पीड बढ़ा दूंगा, वीडियो चलती रहेगी ऐसे ही, वीडियो स्किप नहीं करूँगा, आप देखो अच्छे से। और जितना बोरिंग मेरा वो होगा वीडियो, उतने बोरिंग वीडियो को मैं अपना वो कर दूंगा, स्पीड बढ़ा दूंगा। जैसे आप देखोगे यहाँ से पानी का कितना प्रेशर है, ये देखो लग रहा है कि जैसे नीचे से पानी निकल रहा है, लेकिन ये नीचे से नहीं निकल रहा है, ये नीचे में गड्ढा वड्ढा होता है तो उससे पानी घूमता है। ये देखो, और यहाँ पे जा जा के लोग मछली पकड़ते हैं इसमें, लेकिन ये बहुत डेंजर होता है। अभी ये डैम, अभी जो इसके गेट खुले हुए हैं मैं वो आपको दिखाऊंगा, नहीं तो ज़्यादातर इसके गेट बंद ही हैं। जैसे ये मछली लेके आ रहा है करके, ऐसे बोलते हैं कि कोसी ब्रिज की मछली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। अब पता नहीं हम कहाँ की खाते हैं, ये तो हमें भी नहीं पता है। ओके, वो लोग इधर गए हुए थे लेकिन इधर शायद परमिशन नहीं होगा इधर जाने का, तो उनके तार लगाए हुए थे, यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं को परमिशन होगी। अभी मैं देखा था उसके ऊपर लोग गए हुए थे, लेकिन बिना परमिशन के कोई काम नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है। अब जैसे आप देखोगे यहाँ के गेट खुले हुए हैं, और यहाँ का प्रेशर देख लेना कितना ज़्यादा है पानी का।
अभी भी इतनी तेज़ धूप हो रही है जबकि शाम के भी 5 बज रहे हैं। और ये देखो गाइस, ये 5 गेट खोले हैं इसके, जिसमें के 4 पूरे खुले हुए हैं और एक लगभग 80% खोला हुआ है। जैसे आप देख पाएंगे ये वाला गेट है और ये वो एक और सबसे लास्ट वाला आप देखेंगे। और अब आप यहाँ पानी का प्रेशर देख के देखो कितना प्रेशर पानी का यहाँ पे है। बाप रे बाप, बहुत डेंजर है ये। और लोग फिर भी इसमें मछलियाँ पकड़ते हैं, उनका शौक होता है, अपना अपना कमाई होती है तो शौक के लिए पकड़ते हैं। कुछ की रोजी रोटी इसी से चलती है। अब आप देखेंगे जैसे बस पानी ही पानी है, तो इसको गलत नहीं बोला गया है नेपाल का समुंदर। कुछ लोग सही बोलते हैं कि हाँ कोसी ब्रिज नेपाल का समुंदर है। एक्चुअल में तो नेपाल में समुंदर नहीं है लेकिन नहर को ही समुंदर बोलते हैं लोग। तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत डेंजर भी कह सकते हैं, खूबसूरत भी। ये आप सुन रहे होंगे मुझसे ज़्यादा आवाज़ तो पानी की यहाँ पे आ रही है। जैसे देखो पानी ही पानी बस। ये सब पानी की आवाज़ है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। जैसे आप देख रहे हो ना, ये डेंजर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊँगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए वहाँ का एक छोटा सा भी वीडियो बना के डालूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो देखने के लिए मिलते रहे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।